ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इतना बड़ा चीज हम लोग के सामने आ गया है, वी वी ऑल शॉक्ड। आज जितने भी यहाँ पे बैठा होगा हम लोग पूरा शॉक में है। अभी गवर्नमेंट इतना ट्राई कर रहा है कि क्लींजिंग करने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए, अभी वही जहाँ से रिक्रूटमेंट होता है जो फैक्ट्री, वहीं से करप्शन हो जाता है अभी। तो इसको तो हम आयरन हेड से ही डील कर अभी हमने किया है, आप सबको पता है। CBI को भी लगा के रखा, इसके बाद SIC को भी लगा के रखा, दिल्ली ने दिल्ली आप लोगों को खबर मिल रहा होगा कि इसका अभी कितने लोग अरेस्ट होके आगे बढ़ रहा है। अभी तुरंत में बहुत ही जल्दी अभी आज अखबारों में, सोशल मीडिया में शायद आप लोग ने देखा होगा कि जो नया जो बॉडी है चेयरमैन और 3 मेंबर का भी एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा ओवरहॉलिंग हम लोग ने ऑलरेडी करने का निर्णय ले चुका है। एक बार नया चेयरमैन और नया मेंबर्स का सिलेक्शन होने के बाद जितने भी जो पुराना पेंडिंग एग्जाम्स है पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसको फिर दोबारा तुरंत हम लोग फिर उसको एडवर्टीजमेंट करेंगे, ताकि हमारा यहाँ पे जितने भी जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ लोग हैं बेचारा, उन लोगों के लिए तो सोच के कभी कभी बहुत दुख लगता है। इतना सालों से प्रिपरेशन करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करता है, कोई आउट ऑफ स्टेट जाके फैमिली वाला बेचारा मेहनत करके उन लोगों को यहाँ से ट्यूशन फीस भेजता है, तब तो जाके यहाँ पे ऐसे गड़बड़ हो जाता है। तो करप्शन को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन को एक नया तरीका से फिर हम लोग अच्छा से खड़ा करके ही छोड़ेंगे। उस बीच अभी इतना प्रॉब्लम होने के बाद बहुत सारा एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ गया, तो बहुत सारा कैंडिडेट्स लोगों का अभी एज भी चला गया होगा। पहले 35 ईयर्स था, मैंने एक्सटेंशन 2 साल एक्सटेंड करके 37 ईयर्स है, अभी 37 ईयर्स का एज लिमिट है। तो इस साल जो गड़बड़ हुआ है देखते हुए, तो हमने ये निर्णय लिया कि आने वाला कैबिनेट में हम लोग 37 से एज को फिर हम एक्सटेंड करके अपना जो ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो ट्राइबल लोगों के लिए 40 ईयर्स हम प्रोवाइड कर देंगे। 40 ईयर्स तो इस तरह का हम लोग का जो गवर्नमेंट है, हम सब लोग चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में रिफॉर्म हो, लोगों का विकास हो, एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा है एज पर मेरिट लोगों को मिले। बिजनेस के तौर पे अभी कनेक्टिविटी हम लोग का बहुत अच्छा बढ़ रहा है, उसके माध्यम से हम लोग का बिजनेस आगे बढ़े, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़े। इस तरह का काफ़ी सारा कोशिश हम लोग कर रहे हैं।